हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। गुम है किसी के प्यार में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, क्योंकि रजत को सावी से प्यार हो गया है। ऐसे में भविका शर्मा मोस्ट पॉपुलर करेक्टर में नंबर वन की जगह बना चुकी है। ऐसे में जो है बेस्ट जोड़ी में भी नंबर वन की पोजीशन आ चुकी है आपके प्यारे रजत और सावी की। ऐसे में जो है फैंस जो है इस जोड़ी को पसंद करने लगे हैं। उसी के बीच में जब जोड़ी को पसंद करने लगे हैं तो शो में एक भयंकर एंट्री होने वाली है, जो कि पूरी कहानी को बदलने के लिए तैयार हो चुके हैं। जहां आप प्यार, साथ, रोमांस, नोक झोंक, इशारा देख रहे हैं, वो सभी गुस्से में बदलने वाला है, आग के बबूले में बदलने वाला है। शो में एक बड़ी एंट्री होने वाली है, जिसकी वजह से रजत जो है सावी पे शक करने वाला है। वो सोचेगा ये भी मेरी पहली पत्नी की तरह ही है, इसका भी करैक्टर जो है ऐसा ही है। ऐसे में उसे घर से बाहर भी निकाल देगा, जहाँ पे कहीं ना कहीं फैमिली को काफ़ी गुस्सा भी आएगा। लेकिन जल्दी ही जो है क्लीन चिट मिल जाएगी सावी को। उसी के बीच में जो है परिवार वाले रजत से कहेंगे कि माफ़ी मांग के लाओ सावी से। अब भाई रजत अपने ईगो में ठहरा है, वो कैसे ला सकता है? लेकिन एक तरफा उसे सावी से प्यार भी है, तो लाना भी होगा। उसी के बीच में अगर बात करें वो न्यू एंट्री कौन है, संग्राम रॉय टीवी एक्टर्स हैं, उनकी एंट्री होने जा रही हैं, जो कि कभी पॉजिटिव रोल करेंगे तो काफ़ी निगेटिव रोल भी करेंगे। खबर है कि जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने कहा वो अपने रोल से बहुत खुश होंगे, क्योंकि लोग अगर नफरत भी करेंगे तो मुझे प्यार ही देंगे। ऐसे में जो है मुझे उनकी ये फीलिंग भी काफ़ी अच्छी लगेगी। तो ऐसे में उनके इंटरव्यू से साफ लग गया है कि मिस्टर जो है काफ़ी बड़ा रोल करेंगे और जो है निगेटिव रोल करेंगे। शुरू में भले ही पॉजिटिव नज़र आए, लेकिन वो काफ़ी बड़ा निगेटिव रोल करेंगे। ऐसे में शो की न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। खबर है कि अगर इसकी एंट्री से टीआरपी बढ़ जाती है तो बेस्ट है, नहीं तो फिर शो में बहुत बड़े ट्विस्ट की तैयारी चल रही है। उम्मीद है कि सावी और रजत की जो अलग से फैंस का दिल धक धक करेगा, क्योंकि जोड़ी नंबर वन पर आ चुकी है जैसे मैंने बताया। अब जब कोई तीसरा आएगा तो ज़रूर फैंस को जो है कहीं ना कहीं खल जाएगा और टीआरपी शायद छलांग मार सकती है। तो आपको क्या लगता है, इसकी एंट्री से टीआरपी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।